बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट केक रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपने इसको लाजमी बनाना है और इसका फीडबैक भी प्लीज़ हमें लाजमी दिया करें। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज जो है ना फ्रूट केक बनाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं ये समझाऊंगी कि किस तरह बनाना है। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। मैंने एक कप ली है लेकिन वजन में ये 150 ग्राम है। और चीनी मैंने हाफ कप ली है। पाउडर शुगर लिया मैंने और एक कप मैंने मैदा लिया है। मैदा जो है ना 120 ग्राम था वजन में और ये 60 ग्राम था वजन जो है ना। पाउडर शुगर 60 ग्राम थी और ये मैंने हाफ जो है ना कप लिया है। ये इसमें जो है ना टूटी फ्रूटी थी तीन कलर की, ग्रीन, रेड और येलो। और थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं और ब्लैक कलर की किशमिश ली है। और 2 अदद अंडे लिए हैं, विलीना एसल ली है। और ये जो है ना हाफ टी स्पून जो है ना मैंने बेकिंग पाउडर लिया और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया। सबसे पहले हम इसमें जो है ना अपना बटर शामिल कर देंगे और साथ ही मैं अपनी ये शुगर भी शामिल कर दूंगी, पाउडर शुगर। अब इन दोनों चीजों का हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करना है। अगर आपके पास जो है ना बीटर मशीन है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने इसको तेज तेज करना है। अब मैं इसमें ये देखें बस इतना सा इसमें नमक शामिल कर देंगे। देखें मैंने इसमें नमक को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया और कलर भी मेरे जो है ना बैटर का चेंज हो गया। मैं अब इसमें 1 अदद अंडा, मैंने दोनों अंडे तोड़ लिए थे और एक मैं अब इसमें डाल रही हूँ। इसको इसमें अच्छे तरीके से हल करने के बाद हम उसको एक साथ नहीं, हम जितने भी अंडे आप शामिल करें एक साथ इनको शामिल नहीं किया जाता, एक एक ही करके आप इस्तेमाल करें तो इसमें ये जो फ्लफी और जो है ना आपका केक अच्छा बनता है। ये देखें मैंने अपना इसमें 1 अदद अंडा इसमें मैंने शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। आप दूसरे को भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने इसमें अपने अंडे बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिए। अब जो है ना मैं इसमें 1/4 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया। अब मैं इसमें जो है ना अपना ये बेकिंग पाउडर भी इसमें शामिल करके इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैंने दो दो टेबलस्पून करके तीन जो है ना बाद में मैं इसको शामिल करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मैंने अपना सारा मैदा इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें जो है ना मैं 1 टेबलस्पून जो है ना मैं अपना ये मैदा शामिल करूंगी और इस सबको मैं इसमें मिक्स कर लूंगी। अब इसको भी इधर ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इससे ये होगा कि ये जो चेरीज हैं आपकी ये नीचे नहीं बैठेंगी। और मैं इसमें बनाने बेक करने लगी हूँ अपना केक और इसके नीचे ये देखे मैंने बटर पेपर जो है ना रख लिया है। ये देखे हमारा माशाल्लाह कितना जबरदस्त जो है ना बैटर रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसमें इसको मैं इसको विदाउट ओवन बनाने लगी हूँ। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको जैसे चाहें बना सकते हैं। सेम जो है ना ये बेकरी स्टाइल है जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें भी वो सारी चीज़ें ली थी जो कि मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर सेट कर लिया। इसके ऊपर हम थोड़े से ये देखिए मैंने इसमें जो है ना इसके ऊपर सारे जो है ना नट्स लगा लिए। अब जो है ना मैं इसको बेक करने के लिए रखूंगी। मैं इसको 25 से 30 मिनट के बाद इसको मैं चेक करूंगी लो फ्लेम पर।
अगर आप इसको ओवन में बनाने लगे हैं तो 180 डिग्री पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखें मैं अभी इसको निकाल के लाई हूँ, मेरा 40 मिनट लगे हैं इसको बनने में। आप अपने जो है ना चेक करते रहें, अगर आपको लगे कि हो गया तो आप इसमें से निकाल लें। तो मेरा अभी हो गया, मैं अब इसका थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करूँगी। ये देखें हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बना है। मैं आपको एक स्लाइस की कटिंग करके दिखाऊँगी। ये देखें हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा बना है। और ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।